हेलो दोस्तों, प्रभास किचन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हरे मिर्चे से बना अचार। ये अचार पूरा साल आप रख सकती हैं, खराब नहीं होगा। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस अचार के साथ। हरे मिर्चे से अचार बनाने के लिए देखिए हमको क्या क्या चाहिए। ये हमने 250 ग्राम हरा मिर्चा ले लिया है। ये मोटा वाला मिर्चा है। इसको हमने अच्छे से धुल के और कपड़े से पोंछ लिया है। इसमें जरा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो मेरा अचार खराब हो जाएगा। और हमने थोड़े से इसमें मसाले लिए हैं डालने के लिए। ये हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच हींग है, आधा चम्मच ये मेथी दाना है, आधा चम्मच ये कलौजी का दाना है, आधा चम्मच ये खड़ी राई है, और 2 चम्मच ये खड़ी सौंफ है, और ये 2 चम्मच अमचूर पाउडर है, और ये नमक है। नमक हमें स्वाद के अनुसार डालना है, और ये सरसों का तेल है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं हरा मिर्ची के अचार। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, और इसमें हम मिर्ची को इस तरह से इसका ऊपर का काट देंगे, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब इसी तरह से हम सारे मिर्ची काट लेंगे। ये हमने सारे मिर्ची काट लिए हैं। अब हम अपना मसाला तैयार करते हैं। ये गैस पर हमने एक पैन चढ़ा दिया है। पैन हमारा गरम हो रहा है। पैन हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम ये कलौजी डाल देंगे। इसको मंगरेल भी कहते हैं। बहुत लोग इसको मंगरेल करते हैं, कलौजी नहीं समझ में आती है। इसको हम जरा देर भूनेंगे। मंगरेल हमारी भून गई है। अब इसी में हम ये मेथी डाल देंगे। हम 250 ग्राम बना रहे हैं, इसलिए हम बहुत थोड़े थोड़े मसाले डाल रहे हैं। आप ज्यादा बनाइएगा तो और ज्यादा मसाला डालिएगा। अब इसी में हम ये अपना सौंफ डाल देंगे। सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये मसाले हमारे भून गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। मसाला हमारा ठंडा हो गया है। अब हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें डाल देंगे। अब इसी में हम ये राई भी डाल देंगे और डाल के अच्छे से पीस लेंगे। ये मसाला हमारे अच्छे से पिस गया है। अब हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें निकाल लेंगे। अब हम ये जो मिर्ची काट के रखे हुए हैं इसको ले लेंगे। इसमें हम ये मसाला पूरा डाल देंगे। और इसी में हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, और ये हींग भी डाल देंगे इसी में, और ये अमचूर पाउडर बेसी में डाल देंगे, और नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि इसमें अमचूर पाउडर हम डाले हैं और राई भी डाले हैं, दोनों से खटास आती है। अब हम इसमें ये तेल डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए, हमारी हरी मिर्च की अचार बनके तैयार हो गई है। अब हम एक जार ले लेंगे और इसमें भर देंगे इस तरह से। ये लीजिए, मेरे हरे मिर्चे का अचार बनके तैयार हो गया है। तो चलिए, अब आप लोग भी इस अचार को बनाइए और खाइए, एंजॉय करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जरूर करें। थैंक यू। गुड डे।